अस्पताल बनाया कोई नया बताया डॉक्टर साहब? हाँ तो फिर मैं आप ये बोल रहे थे, मैं तो बोला क्या तकलीफ है? अरे क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ क्या है? सुनने में क्या तकलीफ है? सुनने में क्या तकलीफ है? अरे भाई सुनने में क्या तकलीफ है? आपको सुनने में हुड्डा साहब, सुनने में क्या तकलीफ है आपको? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में हरियाणा सारे देश में एक नंबर पर है। आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको आपको सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद ओपीडी 30% बढ़ी है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हमारी सरकार आई थी तो शिशु मृत्यु दर 41 थी और आज 30 है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मातृ मृत्यु दर 127 थी जो घटकर 101 हो गई। आप कहां से अखबारें निकाल के ले आते हो? वीर साहब आपको समय दूंगा मैं, तब आप उन्हें सबसे पहले हरियाणा के जागरूक मतदाताओं को और सारे हरियाणा के लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जो चुनाव हुआ शांतिप्रिय ढंग से, सभी कर्मचारियों का, पुलिस कर्मियों का, सबका, सभी ने बड़ा भारी योगदान देकर एक शांतिप्रिय ढंग से चुनाव कराया और भाईचारे को मजबूत करने का काम किया। इस वास्ते पूरे हरियाणा के मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसकी प्रशंसा की वह जहां तक सवाल है, नई सरकार बनी है, मैं आज कोई आलोचना नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कौन क्या कहता था, कहां बैठा है, इस बात की भी चर्चा नहीं करूंगा मैं। 5 साल की क्या विफलताएं रही सरकार की, इस बात की भी मेरे को चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों ने नतीजा दे दिया। लेकिन आज हमारी समस्याएं क्या है, उस बात की चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं करूं, वो कंवरपाल जी गए क्या हमारे पूर्व स्पीकर साहब, बोल के चले गए हैं, उनको शिक्षा का भी भाग दे देना, बहुत बढ़िया बोल रहे थे। मैं कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन बात जो उन्होंने कही है उनका जवाब मैं जरूर देना चाहता हूं, कोई आलोचना ही नहीं। उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि हमारी नौकरियों में पारदर्शिता वाई वाई लूट रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये पहली सरकार है, पहले भी देखो कैश फॉर जॉब, एस सी पुल्स अप व्हाट प्रॉब्लम, कैश फॉर जॉब, यही नहीं, ये मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा था पत्र, 24 गांव का प्रस्ताव है, ये बड़ौली गांव का राकेश होगा, ये विधायक भी वहां से बताएंगे, वो गायब हो गया, कहां से कैबिनेट मंत्री नजदीकी की बताकर के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए लूटे, और वो उसका आज तक पता चला नहीं चला, इसलिए समझ मैं कितने ही आपको दिखा सकता हूँ। हाई कोर्ट क्या कह रहा है, सिलेक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट फंक्शनिंग दल SC ST आज हरियाणा वाई नॉट टू गिव प्रूफ टू CBI, क्यों नहीं दी भाई CBI को? हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन TIP विंग में चलाते थे नौकरी, सरकारी नौकरी लगवाने का धंधा, ये डिटेल की बातें हैं, बहुत सारे वो हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उनका जवाब दे रहा था। इन्होंने कहा पारदर्शिता दिखाई, इसमें क्लास डी में क्या किया, कौन भर्ती की, कौन है वो लोग जो हमारे बच्चे MA हैं, PhD हैं, MCOM हैं, वो क्या भर्ती किए इन्होंने? पानी पिलाने वाले भिवानी रेस्ट हाउस पे गया था, एक लड़की MA पास, वो पानी पिलाने आई, लोगों ने कहा भी हमारे को शर्माई, उन्होंने पानी नहीं पिया। और ये तो मतलब जो दोहरा नुकसान किया उनसे, जो उस काबिल थे 10वीं 12वीं लड़के जो आगे नहीं पढ़ सके, जो गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सका, वो तो वंचित हो गए, और जो लग गए वो अपमानित हो गए, कितने लड़कों ने ज्वाइन किया। तो इस किस्म की बात नहीं करनी थी, कोई रह गया है गलती सुधार करो, यहाँ
बिजली कंपनियों में 80 SDO लगते हैं, उसमें से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। मतलब जहां इंजीनियर्स की जरूरत हो वहां तो बाहर का लगेगा, और जहां पानी पीने वाले की जरूरत हो वहां हरियाणा का लगेगा। ये तो ये सूखी बड़ाई मत करो, इसको गहराई से अध्ययन करो। दूसरी बात, कौरपाल जी ने कहा कि भाई हेल्थ के बारे में हम बहुत वो किया है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट है, हरियाणा बॉटम्स अमंग 7 स्टेट्स, CAG की रिपोर्ट है। पूरे देश में नीचे की 7 जो स्टेट है उसमें हेल्थ उसमें नंबर है। कौन सा इन्होंने अस्पताल बनाया, कोई नया नकमा बदलो हेल्थ के बोलिए। देखो मैं आज जैसे मैंने कहा, मैं पिछली विफलताओं का कोई चर्चा नहीं करवानी, मुझे दोष बात हुई और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, हर चीज का वो है, फिर अब कोई मैं उसको नहीं करना चाहता, ना मैं कहना चाहता इस बात को कहना चाहता। कोई कहता था 75 पार, कोई कहता था यमुना पार, है अब दोनों बन गए यार, इस बात का भी जिक्र नहीं करना चाहता मैं, अब दोनों बन गए यार, है लेकिन आज जो हमारी समस्या खड़ी है, सबसे जो आज गंभीर समस्या है, आज हमारी धान की खरीद नहीं हो रही, किसान आज बर्बादी पे, मंडिया भरी पड़ी, कपास की खरीद नहीं हो रही, धान की खरीद नहीं हो रही, गन्ना शुगर मिल लगाने का समय नहीं आया, बाजरा आपका इस तरह पिट रहा है, ये आपको देखना है। आज पहले तो 154 वायदे थे पिछली बार, आज इसलिए बार 260 कर दिया आपने, आपके ही कह रहा हूं, इनके भी होंगे 40-50 इनके भी होंगे, तो मेरा कहने का मतलब जो 154 वायदे हैं वो देख लो, देख लिए, 24 घंटे बिजली देंगे। मैं तो सारे गांव में गया, कोई एक गांव ये नहीं मिला मेरे जिसे 24 घंटे देंगे, बोला आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक किसान की। मैं वहां पिपली मंडी में गया था, मेरे पास रसीद है, 9 पैसे किलो आलू बेच के आया था किसान, तो उसका मतलब 2022 में 18 पैसे किलो कर दोगे, उसका हो गई दुगनी आमदनी होगी, जो आपने वायदा किया था 2014 में स्वामीनाथन का फार्मूला इस्तेमाल करोगे जब होगी, उसके हिसाब से उसको दाम दोगे जब होगी दुगनी आमदनी। अब आज ये मैं नहीं कह रहा, कहां से कहां पहुंच गए हम, बेरोजगारी में आज हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री, तो ये समस्या हमारे सामने 28% अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय औसत 8.5% की अनएम्प्लॉयमेंट की और हमारी 28%, तो ये समस्या है हमारी, उन समस्या का समाधान करो। आज पोल्यूशन के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर जो किसान को अकेले को दोष दिया जा रहा है, किसान को दोष देने से या उसके ऊपर चलान ठोकने से काम नहीं चलेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा, उसका समाधान निकालो। आज क्यों नहीं उसके MSP दी जाती, कितने साल से बात चल रही है, कभी हम उनकी पराली की MSP देंगे, कोई कहता है बोनस देंगे, निराब तो कुछ देने का कोई काम नहीं, खाली उसको दोषारोपण, जो जिस किसान ने देश का पेट पाला है उसको खाली दोष दे रहे, वही कारण है, प्रदूषण में बहुत कारण है, लेकिन आज इसकी समस्या राजनीति से ऊपर उठकर आज इसकी समस्या निकालो, तुरंत किसानों को राहत देने का काम करो, ताकि वो पराली के और बहुत अल्टरनेटिव हैं, पराली से बिजली भी बन सकती है, पराली से खाद भी बन सकता है। आपने पहली कैबिनेट मीटिंग में कह दिया, बड़ी जोर शोर से हेडलाइन में आया कि हमने डीकम्पोजर के लिए 50% सब्सिडी दे दी, डीकम्पोजर की कितनी कीमत है, एक बोतल कितने की है, एक एकड़ की दी है जी आपने, एक बोतल लगती है एक एकड़ में, कितनी कीमत है, 20 रुपए की बोतल है, 10 रुपए एकड़ की सब्सिडी दे दी मैंने। मैं कह रहा हूं आपकी 50% सब्सिडी दी आपने बॉटल के, मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे पास सारा है इनके, तो मेरे पास पता ही ना, वहां दिए भी थे, मेरे पास आपका लेटर भी है, डीकम्पोजर की जो कीमत थी
इन बातों को मैं इन बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन डीकम्पोजर की कीमत 20 रुपए बोतल है जो एक एकड़ में लगती है, उसमें 50% दी आपने। अब कहेंगे हम तो इतने रुपए किसान को दे रहे हैं, किसान का खाद का क्या भाव था भाई, 800 रुपए से 1400 पहुंच गया। वो जो ले रहे हैं वो तो देख नहीं रहे, आपकी एमएसपी कितनी बढ़ रही है, कभी 3%, कभी 4%, 15%। खैर बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने जैसे कहा, आज मैं कोई आलोचना कर लेके नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत सारे नवनिर्वाचित साथी भी आए, मैं चाहूंगा मेरा समय उनको दिया जाए। आज केवल आलोचना के लिए नहीं मैं खड़ा हुआ, लेकिन ये जो समस्याएं बताई है किसान की, मंडी में मैं भी जाऊंगा, खत्म होते हम भी जाएंगे और ये देखेंगे कौन सी मंडी में अनाज धान पड़ा है, कहां नहीं उठ रहा। आप सब जाओ, उसका समाधान निकालो। खाली किसान को दोष दे दिया, पराली जला दी, पर्यावरण फैला दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है जब तक उसका समाधान नहीं निकालेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज जो समस्याएं हैं इनके ऊपर ध्यान दो और सूखी बढ़ाई मत करो, खाली बढ़ाई नहीं। हम 5 साल पहले की बात, 5 साल जो तुम्हारे गए उसकी तो बताओ तुमने क्या किया है। तो जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है अध्यक्ष महोदय, उसके दो पहलू होते हैं, एक अपनी उपलब्धि, दूसरा विजन, आगे क्या अंजार है। इस अभिभाषण में ना तो उपलब्धि है ना कोई विजन दिख रहा है मेरे को, आगे क्या करोगे कोई नहीं। ये तो नीरस जो है ना, जल्दबाजी में इन्होंने भेज दिया और राज्यपाल जी से दस्तखत करा लिए। तो ऐसा नहीं, कोई विजन लेके लाओ, कोई आगे समाधान निकाल के लाओ तो अच्छा होगा। कोई अच्छा काम करेंगे, जैसे मैंने कहा था विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, कोई अच्छा काम करोगे हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जहां हरियाणा का हित होगा, जनहित होगा, वहां डट के लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यही कहता हूँ, जो हमारे 5-7 जो नए न्यू कमर्स हैं उनको जरूर टाइम दे दो, 5-5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्पताल बनाया, कोई नया नहीं बताया साहब ये। हाँ तो फिर मैं, आप ये बोल रहे थे, मैं बोला क्या तकलीफ है? अरे क्या तकलीफ है? आप थे नहीं, क्या तकलीफ क्या है? सुनने में क्या तकलीफ है? सुनने में क्या तकलीफ है? अरे भाई सुनने में क्या तकलीफ है? आपको सुनने में, हुड्डा साहब सुनने में क्या तकलीफ है आपको? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार में हरियाणा सारे देश में एक नंबर पर है। आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको आपको सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद ओपीडी 30% बढ़ी है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हमारी सरकार आई थी तो शिशु मृत्यु दर 41 थी और आज 30 है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मातृ मृत्यु दर 127 थी जो घटकर 101 हो गई। आप कहां से अखबारें निकाल के ले आते हो? साहब आपको समय दूंगा मैं, तब आप बोले। सबसे पहले तो हरियाणा के जागरूक मतदाताओं को और सारे हरियाणा के लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जो चुनाव हुआ शांतिप्रिय ढंग से, सभी कर्मचारियों का, पुलिस कर्मियों का, सबका, सभी ने बड़ा भारी योगदान देकर एक शांतिप्रिय ढंग से चुनाव कराया और भाईचारे को मजबूत करने का काम किया। इस वास्ते पूरे हरियाणा के मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये प्रशंसा के हुए हैं। यहां तक सवाल है, नई सरकार बनी है, मैं आज कोई आलोचना नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कौन क्या कहता था, कहां बैठा है, इस बात की भी चर्चा नहीं करूंगा मैं। 5 साल की क्या विफलताएं रही इस सरकार की, इस बात की भी मेरे को चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों ने नतीजा दे दिया। लेकिन आज हमारी समस्याएं क्या है उस बात की चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं करूं, वो कंवरपाल जी गए क्या, हमारे पूर्व स्पीकर साहब बोल के चले गए हैं,
उनको शिक्षा का भी भाग दे देना, बहुत बढ़िया बोल रहे थे। मैं कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन बात जो उन्होंने कही है उनका जवाब मैं जरूर देना चाहता हूं। कोई आलोचना ही नहीं, उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि हमारी नौकरियों में पारदर्शिता वाई वाई लूट रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये पहली सरकार है, पहले भी देखो कैश फॉर जॉब ऐसी पुल्स अप को व्हाट प्रॉब्लम, कैश फॉर जॉब यही नहीं, ये मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा था पत्र, 24 गांव का प्रस्ताव है, ये बड़ौली गांव का राकेश होगा, ये विधायक भी वहां से बताएंगे, वो गायब हो गया। कहां से? कैबिनेट मंत्री नजदीकी की बताकर के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए लूटे, और वो उसका आज तक पता चला नहीं चला, इसके समझ में कितने ही आपको दिखा सकता हूं। हाई कोर्ट क्या कह रहा है, सिलेक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट फंक्शनिंग दल SC ST आज हरियाणा, वाई नॉट टू गिव प्रूफ टू CBI, क्यों नहीं दी भाई CBI को? हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन TIT विंग में चलाते थे नौकरी, सरकारी नौकरी लगवाने का धंधा। ये डिटेल की बातें हैं, बहुत सारे वो हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उनका जवाब दे रहा था। इन्होंने कहा पारदर्शिता दिखाई, इसमें क्लास डी में क्या किया, कौन भर्ती किए, कौन है वो लोग जो हमारे बच्चे MA हैं, PhD हैं, MCOM हैं, वो क्या भर्ती किए इन्होंने? पानी पिलाने वाले में भिवानी में रेस्ट हाउस पे क्या था, एक लड़की MA पास, वो पानी पिलाने आए, लोगों ने कहा भी हमारे को शर्माई, उन्होंने पानी नहीं पिया। और ये तो मतलब जो दोहरा नुकसान किया उनसे, जो उस काबिल थे 10वीं 12वीं लड़के जो आगे नहीं पढ़ सके, जो गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सका, वो तो वंचित हो गए, और जो लग गए वो अपमानित हो गए, कितने लड़कों ने ज्वाइन किया है। तो इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, कोई रह गया है गलती सुधार करो। यहाँ बिजली कंपनियों में 80 SDO लगते हैं, उसमें से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के, मतलब जहां इंजीनियर्स की जरूरत हो वहां तो बाहर का लगेगा, और जहां जब पानी पीने वाले की जरूरत हो वहां हरियाणा का लगेगा। ये तो ये सूखी बड़ाई मत करो, इसको गहराई से अध्ययन करो। दूसरी बात, कौरपाल जी ने कहा कि भाई हेल्थ के बारे में हम बहुत वो किया है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट है, हरियाणा बॉटम्स अमंग 7 स्टेट्स CAG की रिपोर्ट है। पूरे देश में नीचे की 7 जो स्टेट है उसमें हेल्थ में उसमें नंबर है। कौन सा इन्होंने अस्पताल बनाया, कोई नया महकमा बदलो हेल्थ के साहब, बोलिए आप। देखो मैं आज जैसे मैंने कहा, मैं पिछली विफलताओं का कोई चर्चा नहीं करवा रही, मुझे दोष बात हुई और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, हर चीज का वो है, लेकिन अब कोई मैं उसको नहीं करना चाहता, ना मैं कहना चाहता इस बात को कहना चाहता। कोई कहता था 75 पार, कोई कहता था यमुना पार, है अब दोनों बन गए यार, इस बात का भी जिक्र नहीं करना चाहता मैं, अब दोनों बन गए यार है? लेकिन आज जो हमारी समस्या खड़ी है सबसे, जो आज गंभीर समस्या हमारा है, आज हमारी धान की खरीद नहीं हो रही, किसान आज बर्बादी में, मंडियां भरी पड़ी, कपास की खरीद नहीं हो रही, धान की खरीद नहीं हो रही, गन्ना शुगर मिल लगाने का समय नहीं आया, बाजरा आपका इस तरह पिट रहा है, ये आपको देखना है। आज पहले तो 154 वायदे थे पिछली बार, आज इसी बार 260 कर दिया आपने, आपके ही कह रहा हूं, इनके भी होंगे तो 40-50 इनके भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जो 154 वायदे हैं वो देख लो, देख लिए, 24 घंटे बिजली देंगे, मैं तो सारे गांव में गया, कोई एक गांव ये नहीं मिला मेरे जिसे 24 घंटे देंगे, बोला आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक किसान की। मैं वहां पिपली मंडी में गया था, मेरे पास रसीद है, 9 पैसे किलो आलू बेच के आया था किसान, तो इसका मतलब 2022 में 18 पैसे किलो कर दोगे, उसका हो गई दुगनी आमदनी होगी, तो आपने वायदा किया था 2014 में स्वामीनाथन का फार्मूला इस्तेमाल करोगे जब होगी, उसके हिसाब से उसको दाम दोगे जब होगी दुगनी आमदनी। अब आज ये मैं नहीं कह रहा, कहां से कहां पहुंच गए हम, बेरोजगारी में
आज हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री। तो ये समस्या हमारे सामने 28% अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय औसत 8.5% की अनएम्प्लॉयमेंट की और हमारी 28%। तो ये समस्या है हमारी, उन समस्या का समाधान करो। आज पोल्यूशन के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर जो किसान को अकेले को दोष दिया जा रहा है, किसान को दोष देने से या उसके ऊपर चलान ठोकने से काम नहीं चलेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। उसका समाधान निकालो। आज क्यों नहीं उसके एमएसपी दी जाती, कितने साल से बात चल रही है, कभी हम उनकी पराली की एमएसपी देंगे, कोई कहता है बोनस देंगे, निराप तो कुछ देने का कोई काम नहीं, खाली उसको दोषारोपण, जो जिस किसान ने देश का पेट पाला है उसको खाली दोष देंगे। कई कारण है, प्रदूषण में तो बहुत कारण है, लेकिन आज इसकी समस्या राजनीति से ऊपर उठकर आज इसकी समस्या निकालो, तुरंत किसानों को राहत देने का काम करो, ताकि वो पराली के और बहुत अल्टरनेटिव हैं, पराली से बिजली भी बन सकती है, पराली से खाद भी बन सकता है। आपने पहली कैबिनेट मीटिंग में कह दिया, बड़ी जोर शोर से हेडलाइन में आया कि हमने डीकम्पोजर के लिए 50% सब्सिडी दे दी। डीकम्पोजर की कितनी कीमत है, एक बोतल कितने की है, एक एकड़ की दी जी आपने, एक बोतल लगती है एक एकड़ में, कितनी कीमत है, 20 रुपए की बोतल है, 10 रुपए एकड़ की सब्सिडी दे दी उन्होंने। मैं कह रहा हूं आपकी 50% सब्सिडी दी आपने बोतल का, मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे पास सारा है, मेरा सारा है, इनके तो मेरे पास पता ही नहीं, वहां दिए भी थे, मेरे पास आपका लेटर भी है, डीकम्पोजर की जो कीमत थी। इन बातों को मैं इन बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन डीकम्पोजर की कीमत 20 रुपए बोतल है जो एक एकड़ में लगती है, उसमें 50% दी आपने। अब कहेंगे हम तो इतने रुपए किसान को दे रहे हैं, किसान का खाद का क्या भाव था भाई, 800 रुपए से 1400 पहुंच गया, वो जो ले रहे हैं वो तो देख नहीं रहे। आपकी एमएसपी कितनी बढ़ी है, कभी 3%, कभी 4%, 15%, खैर बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने जैसे कहा, आज मैं कोई आलोचना करने के नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय मेरे बहुत सारे नवनिर्वाचित साथी भी आए, मैं चाहूंगा मेरा समय उनको दिया जाए, आज केवल आलोचना के लिए नहीं मैं खड़ा हुआ। लेकिन ये जो समस्याएं बताई है किसान की, मंडी में मैं भी जाऊंगा, खत्म होते हम भी जाएंगे, और ये देखें कौन सी मंडी में अनाज धान पटार कहा नहीं उठ रहा, आप सब जाओ उसका समाधान निकालो। खाली किसान को दोष दे दिया, पराली जला दी, पर्यावरण फैला दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है, जब तक उसका समाधान नहीं निकालेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज जो समस्याएं हैं इनके ऊपर ध्यान दो, और सूखी बढ़ाई मत करो, खाली बढ़ाई नहीं, हम 5 साल पहले की बात, 5 साल जो तुम्हारे गए उसकी तो बताओ तुमने क्या किया है। तो जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है अध्यक्ष महोदय, उसके दो पहलू होते हैं, एक अपनी उपलब्धि, दूसरा विजन, आगे क्या हम जा रहे हैं। इस अभिभाषण में ना तो उपलब्धि है ना कोई विजन दिख रहा है मेरे को, आगे क्या करोगे, कोई नहीं, ये तो नीरस जो है ना, जल्दबाजी में इन्होंने भेज दिया और राज्यपाल जी से दस्तखत करा लिए। तो ऐसा नहीं, कोई विजन लेके लाओ, कोई आगे समाधान निकाल के लाओ तो अच्छा होगा, कोई अच्छा काम करेंगे, जैसे मैंने कहा था विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, कोई अच्छा काम करोगे हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जहां हरियाणा का हित होगा, जनहित होगा, वहां डट के लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यही कहता हूं, जो हमारे 5-7 जो नए न्यू कमर थे उनको जरूर टाइम दे दो, 5-5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद।